तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायपुर में स्काई वॉक पर निर्णय, फिर ठंडे बस्ते में है, करोड़ों की लागत से बन रहा है स्काई वॉक, राज्य शासन को भेजी जा चुकी है रिपोर्ट, अब तक तकनीकी समिति की बैठक नहीं हुई, 50 करोड़ से अधिक हो चुका है खर्च, निर्माण में देरी होने से लागत बढ़नी शुरू हुई, 2 साल से बंद पड़ा हुआ है निर्माण कार्य। ये बड़ी और अहम जानकारी, 50 करोड़ से अधिक का इस पूरे मामले पर खर्च हो चुका है लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। स्काई वॉक पर निर्णय फिर से ठंडे बस्ते में चला गया है। आपको बता दें, करोड़ रुपए की लागत से स्काई वॉक बन रहा था लेकिन कई बार राज्य शासन को इसकी रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है लेकिन बावजूद इसके निर्माण कार्य में देरी होती जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंकिता शर्मा हमारी संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंकिता, क्या वजह है कि एक बार फिर से स्काई वॉक का जो निर्णय है वो फिर से ठंडे बस्ते में चला गया? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के शासन काल में जो है स्काई वॉक बनाने का निर्णय बीजेपी ने लिया था लेकिन जैसे ही सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद जो है इसके उचित नहीं है करके इसको स्काई वॉक का काम जो है वो रोक दिया गया। 2 साल से अधिक हो चुका है लेकिन अब तक जो है स्काई वॉक का निर्माण जो है वो नहीं हो पाया है। अब तक जो है 50 करोड़ से अधिक का खर्च हो चुका है और ऐसे में देखिए, जब स्काई वॉक नहीं बनाने का निर्णय जब लिया गया, जब कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में एक जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी की 2 बार बैठकें हो चुकी है। बैठक होने के बाद जो है तकनीकी समिति की बैठक जो है वो निर्णय लेगी कि आखिर कब तक स्काई वॉक बनाना है, बनना है कि नहीं बनना है, क्या कुछ इसमें दिक्कतें आएंगी और अगर बनाना है तो क्या कुछ इसमें जरूरत है। तमाम चीजों को लेकर तकनीकी समिति की बैठक जो है वो अब तक नहीं हो पाई है। 2 साल से अधिक के निर्माण हम जो है रुका हुआ है। ऐसी स्थिति में अब ये जो जनता के पैसे हैं वो बर्बादी की ओर जा रहे हैं, फिजूल खर्च के रूप में वो नजर आ रहा है क्योंकि स्काई वॉक का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। सरकार की इस ओर जब जानकारी मांगी गई तो उनका कहना है कि जल्द ही बैठक का निर्णय लिया जाएगा लेकिन देखिए 2 साल बीत चुका है और अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। ठीक अंकिता, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।